हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एजेक्स लाइव। आज है अष्टमी घर में, तो अभी मम्मी कर रही है अष्टमी और पूरी तरह से रेडी है। आज मेरे मामू ने जींस पहनी है, मेरा लांगुरिया बैठेगा ना रंचक में। चलो लेट्स गो। और यहाँ पर मम्मी कर चुकी हैं पूजा और बाबू और मैंने लगवा लिया है टीका। और अब मैं जा रही हूँ किचन में मोनिका की हेल्प करने के लिए, पूड़ियाँ बनवाने के लिए। और यहाँ पर घर में बन चुके हैं छोले और काले वाले चने की कोमरी, और बनी है यहाँ पर हलवा और पूड़ियाँ। तो अभी हम बनाते हैं जरा और पूड़ियाँ। और यहाँ पर सारी कन्याएं आ चुकी हैं और उन कन्याओं के बीच में बैठा है मेरा ये छोटा सा लांगुरिया। इतना क्यूट लग रहा है, बहुत प्यारा मेरा बच्चा, उसकी पहली कंचक है ये। मैं जा रही हूँ अपने टेलर के, मैंने करवा चौथ के लिए एक आउटफिट अपना स्टिच करने को दिया हुआ है, बस उसी को लेने के लिए अभी मैं जा रही हूँ। और कंजक हमने पूज ली है और खाना खाने के बाद मुझे एक घंटे की नींद आ गई थी, इतनी ज़बरदस्त। बस अभी मैं उठी हूँ, अभी जाते हैं टेलर के। हम निकल गए हैं, आज जो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अपना आउटफिट लेने गई थी बट वो मुझे नहीं मिला है, उन्होंने अभी तक स्टिच नहीं किया। पता नहीं यार ये टेलर लोग ऐसे क्यों करते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं कभी भी टाइम पे क्यों नहीं देते, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। और अभी हम निकल गए आउटिंग के लिए बाबू को, प्रक्ष को घर पे ही छोड़कर, क्योंकि उसको नींद भी आ रही थी। से हाय गणेश, आज सुबह से आप ब्लॉग में नहीं आए हो। और गणेश के एमजी एक्टर का रिव्यू लोगों को पसंद आ रहा है, तो कुछ और भी आप लोगों को जानना है तो इनको गाड़ियों की बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो आप इनसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, वो इस पे एक अलग से वीडियो बना देंगे। अभी बस हम सिर्फ नॉर्मली गेड़ियां मारने निकल पड़े हैं गाड़ी में बैठ के, हमें खुद भी नहीं पता कि एक्चुअली हम जा कहां रहे हैं। प्रभु हमारे संकट मोचन बताएंगे कहां जा रहे हैं हम, प्रभु हमें भी नहीं पता, हम बस गेड़ियां मारने निकल पड़े हैं बस। एमी, नवरात्रों के दौरान क्या मार्केट सजने लगती है ना, जैसे ही पूरी दिवालियां आ जाती, मतलब दिवाली, नवरात्रि, करवा चौथ, फिर हुई का व्रत, मतलब सब मार्केट कितनी जगमगाने लगती है पूरी, मतलब कि नवंबर के लास्ट तक ऐसे ही जगमगाती रहेगी और अच्छा भी लगता है, सो ब्लेस्ड। जहाँ हमारा ऑफिस है यहाँ से ये केमिस्ट्री शॉप आप लोगों को नजर आ रही है, अगर मैं जूम करूँ नहीं आ रही हो तो, जो ये केमिस्ट्री शॉप है जस्ट इसके सेकंड फ्लोर पे हमारा ऑफिस है और इसी के बिल्कुल साथ में ये खुला है, क्या नाम है इसका, पिज़्ज़ा विला। तो हम ऐसे ही गेड़ियाँ मारते मारते अब यहाँ पर आ गए हैं, हम ट्राई करने जा रहे हैं रहा पिज़्ज़ा विला। इसी के ऊपर है कथक, हिप हॉप, काफ़ी कुछ है, बॉलीवुड डांस, ओहो लेडीज स्पेशल वर्कआउट भी है। और ये मैं आज देख रही हूँ, ओहो प्ले स्कूल है एंड डे केयर भी है, बट प्ले स्कूल में अभी बाबू जा नहीं सकता और डे केयर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि घर में उसके दादा दादी होते हैं उसके लिए, और अब तो मैं भी होती हूँ, तो ये अच्छा है। ये कभी मेरे ऑफिस के इतने पास में मैंने देखा नहीं, करेंगे ट्राई कभी। एक समय पर मुझे कथक का बहुत शौक था, तो चलो करेंगे कभी दोबारा उसको पूरा। अभी बाद में डिस्कस कर लें, जस्ट आते ही इनका देखो मेन्यू टूट गया है। गणेश जी जो सॉन्ग चल रहा है ना, वन ऑफ द माय फेवरेट सॉन्ग है। एक तरफा मेरा सफर, सफर खूबसूरत है मंजिल से ही। एक कॉफी आ रही, कॉफी मुझे ब्लैक कॉफी नहीं पीनी। मैंने ब्लैक कॉफी नहीं कहा, कैपेचिनो। अरे मुझे कॉफी नहीं पीनी थी।
तब तो वीडियो कॉल में लगी रहे। वीडियो कॉल में नहीं लगी हुई थी। कोनिया कोनिया मारूंगा, पूछना तो चाहिए ना। कोनिया कोनिया मारूंगा, तुम ऑलरेडी कॉफी कभी भी पी लेती हो? नहीं, मुझे कुछ मोजी तो समथिंग कूल कूल पीना है। रात को कूल कूल नहीं पीते, सर्दी आ रही है। आराम मूड खराब, आराम मूड खराब रहने दी। ये कॉफी लवर है। अब देखो, अभी इसने कुछ दिन पहले ही बोला था आपके सामने, और अब देखो मुँह देखो जैसे इस पर अत्याचार हो रहा हो। अभी देखो मेला दिखा रैप में वेजीज, तो उसने थोड़ी कच्ची रखी हुई थी, एक्चुअली न्यू न्यू ओपन हुआ है। दिखाओ भाई, दिखाओ मेला, दिखाओ लेजर लग रही है। अच्छा अभी दिखाती हूँ। ये देखो मेला चल रहा है, झूले लग रहे हैं हमारे यहाँ के। अब मम्मी ने सर खा के रख लिया, प्रक्ष को झूला झुला के लाओ। मैंने कहा मम्मी प्रक्ष झूला झूलने के लायक हो गया है क्या? कह रही नहीं, उसे झूला के लाओ, झूला के लाओ। वो जिद नहीं कर रहा, उसकी दादी जिद कर रही है, बताओ उसकी तरफ से बताओ। ये रहा इस मेले का एंट्री गेट। क्या चीज खाने की बोल रहे हो? मीठा पान। नहीं अभी मेरा मीठा पान खाने का मन नहीं है यार। तुमने मुझे क्या समझो हो, मेरे पेट को पहले तो हॉट कॉफी पिला रहे हो, उसके ऊपर वो तुम अपना वो आइसक्रीम का फूट पंच, आई डोंट नो क्या था, फ्रूट ब्लश पता नहीं, बताओ ऐसे कोई करता है? पहले हॉट कॉफी पिलाई, उसके ऊपर ये फ्रूट ब्लश खिला रहे हैं, और वो फ्रूट ब्लश के नाम पे क्या था, आइसक्रीम के ऊपर जेलीज गिर रखी थी बच्चों वाली। थी तो सही ना, कम से कम इतना ज्यादा मीठा, इतना ज्यादा मीठा, ओवर मीठा, इतना ओवर मीठा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो ठीक है ओवर मीठा, लेकिन मिला तो सही। कैफे तो है पास में नियर बाय, बल्कि ऑफिस के नियर बाय है। ऑफिस के नियर बाय तो और भी कैफे हैं, बतेरे हैं। कॉफी नहीं बनती ना, कॉफी अच्छी थी बस मीठा थे तो। कितना सुंदर झूला लग रहा है ये वाला। ये देखो वो बना हुआ है अयोध्या। अरे ये था सामने रोड से, पूरी जगमगा रही है सड़के तो। अब यहाँ से देखिएगी तो वह शायद कितनी जगमगा रही है। ये देखो घनिष्ठ, बताओ ये आज तुम्हारा टेस्ट है, कौन कौन होते हैं ये तीन? कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण। अरे बहुत लोग हैं दुनिया में यार जिनको नहीं पता। मार मार के गए हैं अब हम थक, और बचपन में जो रामलीलाएं देखा करते थे, और इतना सारा बाजार, मतलब ये सब कुछ मजा भी आया देख के, ऐसा बचपन की यादें आ गई, ताजा हो गई बचपन की यादें सारी। हम लोग भी बहुत देखने जाया करते थे रामलीला। और अब तो अक्टूबर चल रहा है, ठंड नहीं है। मुझे याद है कि हम लोग शॉल ओढ़ ओढ़ के जाया करते थे, हमें मम्मी पापा शॉल दिया करते थे ओढ़ने के लिए, उनकी शॉल में हम बैठ जाया करते थे, तो उनकी शॉल में हम छुप जाया करते थे। तो आज देख के बड़ा मजा आया, कुछ नहीं बस सड़कों पे गेड़ियां मार रही हैं। और अभी करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। बाय, टेक केयर।